इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। खबर में दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने बैंकों को 2000 के नोटों की सप्लाई बंद कर दी है। इस वजह से ही ज्यादातर बैंकों के एटीएम से 2000 के नोट नहीं निकल रहे हैं। इस खबर के वायरल होने के बाद लोग काफी परेशान हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को 2000 के नोटों की आपूर्ति बंद कर दी है। इसके साथ ही आरबीआई ने सभी बैंकों से अपने एटीएम में से 2000 के नोट वाले कैलिबर निकालने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि जब इस वायरल न्यूज आर्टिकल की पड़ताल भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के फैक्ट चेक ने किया तो पाया कि ये दावा एकदम फर्जी है और आरबीआई ने 2000 के नोटों की आपूर्ति बैंकों को बंद नहीं की है। खबर वायरल होने से आम लोगों को लग रहा है कि कहीं सरकार 8 नवंबर 2016 की तरह इस बार 2000 के नोट बंद ना कर दे और उन्हें एक बार फिर बैंकों में 2000 के नोट को बदलने के लिए लाइन में ना लगना पड़े। भारत सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक ने जब इस वायरल न्यूज आर्टिकल की पड़ताल की तो पाया कि ये दावा एकदम फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया है कि आरबीआई देश के सभी बैंकों को 2000 के नोटों की सप्लाई लगातार कर रहा है। इसके साथ ही देश के किसी बैंक ने अपने एटीएम में से 2000 के नोटों का कैलिबर नहीं निकाला है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।